बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया है एवरीडे साइंस एमसीक्यूज का। आज उसी सिलसिले में पार्ट 44 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 901 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 901, फास्फोरस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, न्यूक्लिक एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 902 देखें। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीले। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 903 देखें। एटम इज मेड ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 904 देखिए दोस्तों। द अल्फा पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स ऑफ व्हाट? ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 905 देखिए दोस्तों। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ मीटर्स इन द ओशन, 100 मीटर्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 906 देखें। द बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 907 देखें। द बिगेस्ट स्पीशीज ऑफ द कैट फैमिली इज टाइगर। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 908 देखें। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज हेट्रोगैमेटिक फीमेल? ये ऑप्शन बी, डोमेस्टिक फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 909 देखें दोस्तों। द एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन बी, 60% ऑफ नाइट्रोजन एंड 40% ऑफ इनर्ट गैसेस। क्वेश्चन नंबर 910 देखिए दोस्तों। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्स इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 911 देखिए। विच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लेक अ न्यू मून? फेब्रुअरी। फेब्रुअरी चूंकि 29 और 28 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 912 देखिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन सी इज सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 913 देखिए। मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओ दियर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू सरफेस टेंशन। ऑप्शन ए। और 914 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। A satellite moving around the earth with a uniform speed has a uniform acceleration. Option C is the correct option. Or question number 915 dekhe. A lead ball falls through water more slowly than through air because of the viscous force in water. Option D is the correct option. और क्वेश्चन नंबर 915 देखिए। 915 दो दफा है, कोई बात नहीं। 915 नंबर। अ फारेनहाइट थर्मामीटर इंडिकेट्स अ टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री फारेनहाइट। इट्स करिस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी। इसका फार्मूला ये है कि जितना फारेनहाइट में है उसमें से 32 माइनस करो,
और उसको ज़रब दे दो 5/9 से, तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, यहाँ पर -10 आता है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 916 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कलर कम्बिनेशन इज एडिड इन कलर विजन एंड टीवी, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 917 देखिए, वाटर इज अ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार इंजन बिकॉज वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 918 देखिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोरिजन ऑफ आयरन पाइप दे आर ऑफन कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गल्वनाइजेशन। ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 919 देखिए, डिटर्जेंट्स डिजोल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ बिकॉज रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ऑप्शन डी। और आखिरी क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का 920 नंबर, देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इनवॉल्व्स कैपिलरी एक्शन फिनोमेना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।